क्लास फोर सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी फर्स्ट। और इसमें देखिए हम पढ़ रहे थे अभी चैप्टर सेवन डान का हिसाब, चैप्टर सेवन डान का हिसाब। और इसमें आगे देखिए हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं इसको, तो कल हमने पढ़ा यहाँ तक। तो एक सन्यासी आता है और वो किस तरीके से क्या कहता है, मुझे इस तरीके से धान चाहिए। और जो भंडारी होता है वो परेशान हो जाता है उसके हिसाब को देख के। अब देखिए आगे क्या होता है, यहाँ से देखिए, ठीक है ना। तो यह है आज आपका पेज नंबर 56। तो यहाँ पे देखिए भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगातार लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। ठीक है, मंत्री ने पूछा कुल मिलाकर कितना हुआ। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा जी 10,48,575 रुपये। ठीक है ना, पूरा कितना हिसाब हुआ था, 10,48,575 रुपये। तो मंत्री गुस्से में बोला मजाक कर रहे हो, यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। ठीक है, सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा क्या बात है। मंत्री बोले महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा वह कैसे। मंत्री बोले महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10,00,000 रुपये झटकने का उपाय कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे लिखा है दान का हिसाब पहले दिन से और 20वां दिन तक। ठीक है ना, उन्होंने 10,00,000 रुपये तक क्या कर दिए थे, इनसे पूरे हड़प लिए थे 10,48,575 रुपये। यहाँ पे देख रहे हैं इसका हिसाब, ठीक है ना। तो इतने रुपए इन्होंने ये पूरे दान का हिसाब ये मंत्री जी ने बनाया है। आगे देखिए, तो राजा ने गुस्से से कहा मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं, भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, दो बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। अब राजा भी क्या हो गया, बेहोश हो गया दान का हिसाब देख के। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। अब क्या हो गया, सन्यासी को बुलाने दो। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। ठीक है ना, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब परेशान हो गया राजा, तो क्या कह रहा है, अब मुझे जो ये मैंने तुम्हें क्या दिया था, वचन दिया था, इससे मुझे मुक्त कर दो। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। अगर हम 20 दिन तक आपको इसी तरीके भिक्षा देंगे तो राजकोष क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो सन्यासी ने गंभीर होकर कहा इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपये मिलते ही मैं समझूंगा मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। ठीक है ना, वो तो किसके लिए लेना चाह रहा था, जो भूखे गाँव के जो भूखे लोग थे उनके लिए ये भिक्षा ले रहा था। राजा ने कहा परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। ठीक है ना, एक आदमी ने बोला था उनकी 10,000 रुपये दे दो, इतने में बहुत हो जाएगा। तो सन्यासी ने कहा मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए। ठीक है ना, विनती करने लगे कि
किसे? सन्यासी से। मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। लेकिन सन्यासी ने क्या बोला, मुझे तो क्या चाहिए, 50,000 से कम नहीं चाहिए। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। कहाँ तो क्या 10 लाख पे पहुँच गया था, अब 50,000 उनको क्या करने पड़े, देने पड़े। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। किसके जैसे? कर्ण जैसे क्या हैं, दानी हैं। उनको पता नहीं था कि 50,000 रुपये किस तरीके से राजा से निकाले गए। तो ये कहानी थी सुकुमार राय, सुकुमार राय दान का हिसाब, इस कहानी का नाम था। तो इस कहानी को आज आप क्या करेंगे, ये कहानी पूरी हो चुकी है और आप इसको पूरी शुरुआत से और आखिरी तक इस कहानी को पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए आज आपका जो दान का हिसाब लिखा है इसको आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, पहले दिन से और 20वें दिन तक उन्होंने और कुल कितना रुपए लिया, ठीक है ना। इसको आज आपको कॉपी पे करना है और पूरा पाठ आपको आज पढ़ना है।